अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जनाब। ये 2 फुट की पुल, इसके ऊपर लोग गुजर रहे हैं, कैसे गुजरते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 फुट की पुल है दोस्तों, मैं मोटरसाइकिल भी साथ चला रहा हूँ और साथ गुजर भी रहा हूँ, साथ वीडियो भी बना रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पुल क्रॉस कर लिया जी। तो जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। दोस्तों आज एक नई वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया व्लॉग लेकर आया हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके पैसे खर्च नहीं होते लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। तो इंशाल्लाह इस तरह की और अच्छी से अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों ये व्लॉग हमारा आज हकड़ा कनाल, हकड़ा नहर पर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे दाएं तरफ इस वक्त हकड़ा नहर है जो फुल भरी हुई है इस वक्त। तो ज़िम्मेदार जो हमारे भाई हैं वो अपनी फसलें इस नहर से खराब करते हैं जी। लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आज नरमे की काश्त की हुई है लोगों ने और नरमे में जो घास जड़ी बूटियां वगैरह हो जाती हैं उसको तलफ करते हैं ताकि नरमा अच्छी पोष कर सके। तो लोग इतनी धूप में मेहनत भी कर रहे हैं साथ। ज़िम्मेदारा बहुत मुश्किल है दोस्तों, जितनी मेहनत है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि 2020 में अब 2020 चल के वाटर सप्लाई की ट्रिपैन है दोस्तों ये वाली, 2020 में वो बंदा कामयाब होगा जो अकल इस्तेमाल करेगा, जो बंदा मेहनत करेगा वो कामयाब नहीं हो सकेगा। वो और वही हाल है बिल्कुल आज, जो बंदा मेहनत करता है वो मजदूरी करने जो कर जाता है वो कामयाब नहीं होता, और जो बंदा अकल इस्तेमाल कर जाता है वो कामयाब हो जाता है। तो आज का दौर जो दोस्तों चल रहा है इसमें आप अपनी अकल इस्तेमाल करें ताकि मेहनत ना करें, अकल इस्तेमाल करें। जब आप अपनी अकल इस्तेमाल करेंगे, ज़हानत अपनी दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत मनाजर है दोस्तों हकना नहर का। इसके ऊपर एक सब्ज़ रंग की छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी पानी के ऊपर जो होती हैं। ये बूटी होती है अक्सर ये दरियाओं में उगी जाती है, दरिया से फिर जब पानी नहरों में जाता है तो वो जड़ी बूटियाँ भी साथ आ जाती हैं। ये देखें, ये फसलों में औरतें भी काम कर रही हैं। ज़िम्मेदारे में दोस्तों मर्दों के साथ औरतें भी साथ काम करती हैं, घर का खाना भी बनाती हैं, बच्चों के लिए रोटी भी बनाती हैं, बच्चों को तैयार भी करती हैं, साथ ज़िम्मेदारा भी करती हैं, जानवरों को चारा भी डालती हैं। बड़ा मुश्किल काम है औरतों के लिए, ज़िम्मेदार जो ज़िम्मेदार हो गए हैं। शहर में रहने वाले लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ज़िम्मेदारा कितना मुश्किल है। तो ये देखें जी दोस्तों, ये सड़क का एक सड़क है, नहर की जो बाएं जाना सड़क है उसके ऊपर मैं जा रहा हूँ। ये सड़कें आज से 5-6 साल पहले बड़ी साफ़ सुथरा हुआ करती थी, लेकिन अब तो तब्दीली सरकार जब से ये खान साहब की हुकूमत आई है कोई पूछने वाला नहीं है जी। गार्ड मेट बेलदार वगैरह सोए होते हैं, उनको परवाह ही नहीं है। ये तक सड़क में सारे खड्डे पड़ गए हैं। पहले इतनी साफ़ सुथरी होती थी जैसे पक्की हो, कारपेट रोड हो, इस तरह की सड़क होती थी, लेकिन अब तो कोई पूछने वाला नहीं है इनको जी। ये टूर चल रहा है जी नहर के दूसरी तरफ जाना, पर हमें करीब होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता लेकिन वो दूर है वैसे। ये आ गई जी सड़क नहर से, अब ये नहर इधर रह गई जी दोस्तों, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ। ये शहर है, ये देखें ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, औरत साथ से जा रही है बट जो उन्होंने चारा काटा हुआ उसके ऊपर बैठकर। तो ये इस तरफ देखें जी, ये जानवरों के लिए चारा है, पट्टी जिसे बोलते हैं, पट्टे हैं। ये जंतर है जो जानवरों को खिलाया जाता है जी, बड़ा खूबसूरत जंतर है। ये देखें जी
कितनी सबज हरियाली है इनकी, इतना खूबसूरत गांव का माहौल है जी। ये हमारा गांव है शहर के साथ। ये देखें जी, औरतें भी साथ काम कर रही हैं जी। देखें बच्ची भी यहाँ साथ, छोटी जी 4-5-10 साल की है, और साथ औरत भी काम कर रही है। इतना ज़िम्मेदारी कितना मुश्किल है दोस्तों, कितनी धूप है, और इतनी धूप में साथ है, औरतें भी साथ, बच्चियाँ भी, बच्चे भी छोटे, किसान भी साथ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो सड़क है हमारी, ये नहर से जा रही है अब शहर को, जिसे ग्लैमर सुल्टान भी बोलते हैं दोस्तों। ये ग्लैमर सुल्टान वाली बंगला रोड वाली सड़क भी बोलते हैं, ये बंगला रोड वाली सड़क है। अब टाउन यहाँ पर बन गए हैं जी, ये बिल्कुल नहर के साथ ये टाउन बन चुका है। यहाँ से आस पास ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, तो वरना मैं आपको उसकी वीडियो दिखाता। ये देखे जी, ये भी टाउन है, कोठी बनी हुई है। ये इस तरफ सड़क के दाएं तरफ भी टाउन है, और ये बाएं तरफ भी टाउन है जी। ये जो दाएं तरफ टाउन है, इसका नाम है जी ग्रीन सिटी। 5, 7, 8 और 10 मरले के प्लाट यहाँ पर मिलते हैं, कोठियाँ बन रही हैं जी, काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है। और ये भी टाउन है जी सड़क, इस टाउन का नाम का नहीं मुझे पता ना, इधर कोई बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर ज़मीन जो टाउन में ज़मीन का रेट है प्लाट का, तकरीबन 2.25 लाख रुपये मरले का रेट है। एक मरला 2.25 लाख में मिलता है, कुछ टाउन वाले 1.5 लाख रुपये में देते हैं, और कुछ का रेट 2 लाख भी, 2 लाख रुपये भी मरले का है। तो जी दोस्तों देख लें जी आप, ये सड़क मैं शहर के बिल्कुल पास पहुँचने वाला हूँ, किला उकला कॉलोनी। ये चिड़ियाँ जा रही हैं जी, आग जलाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, क्योंकि गैस हमारे इलाके में नहीं है, गैस की सहूलत नहीं है दोस्तों यहाँ पर। एक रुख सौ सुख, दरख धरती कार जेवर है दोस्तों, ये मुहावरा लिखा हुआ है। एक रुख सौ सुख, ये बुकला कॉलोनी है फोटा पास में जी। ये ब्लॉक है, वो पहले इससे पहले आया था वो बी ब्लॉक था। जी बाईपास बन रहा है फोटा पास का, ये कितनी खूबसूरत कोठी है जी। यहाँ पर ये ग्लैमर सुल्टान आ गया दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खूबसूरत कोठियाँ हैं। ये देखें, ये इधर भी और ये इधर भी बड़ी खूबसूरत कोठियाँ बना रखी हैं लोगों ने, अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं। एक कोठी की कीमत तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए है, बड़ी खूबसूरत कोठियाँ हैं। बाहर भी बड़ा खूबसूरत माहौल है जी, आपको देखने को मिलता है। ये दारुल हुकूम स्कूल आ गया जी, ये ग्रेड स्टेशन है इस तरफ फोटावास का, ग्रेड स्टेशन। ये दारुल हुकूम स्कूल, दाखिला जारी है। ग्लैमर सुल्टान, ये भी बड़ी खूबसूरत कोठियाँ बनी हुई हैं जी यहाँ पर नई। तो ये देखें जी, ये शहर आ गया हमारा करीब, खूबसूरत कोठियाँ हैं जी यहाँ पर, बड़ी खूबसूरत कोठियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बोर्ड लगा हुआ है जी यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का। ये कोठियाँ देखें जी आप, ये एक छोटा सा सिटी है हमारा फोटाबाज, बड़े अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं, अमीर कम है लेकिन गरीब ज़्यादा है। तकरीबन फोटाबाज की जो आबादी है दोस्तों, वो तकरीबन 4 लाख आबादी है इसकी। दीवान ख़ास मेरेजाल आ गया है जी। ये जिना क्लब है दोस्तों, ये वाला जिना क्लब फोटावास का, और ये जानवरों के लिए हॉस्पिटल है। ये डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक आ गया, ये वाला जानवरों के लिए अस्पताल। ये ज़रात का दफ्तर है दोस्तों फोटावास में, ज़रात ऑफिस, काश्तकारों के ये सारे
सारे बोर्ड लगे होंगे काश्तकारों के लिए, लेकिन बस कागजी कार्रवाई होती है यहाँ पर। ये हॉस्पिटल है सरकारी फोटापास का, पुराना अब चेंज हो चुका है जी दोस्तों, नया हॉस्पिटल दूसरी तरफ है, ये पुराना है। यहाँ पर डॉक्टरों के लिए रहायश है या डॉक्टरों के जो मुलाजम हैं उनके लिए रहायश है। ये है जी हमारा श्री सिटी शहर फोटापास, देख लें जी आप। ये शहर फोटापास में एंटर हो चुका है जी मैं, ये गाड़ी अड्डा है फोटापास का ये वाला, और ये स्कूल है हाई स्कूल फोटापास शहर का, हाई स्कूल लड़कों का। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी तक थी। ये रामे चौक है जी फोटापास का, रामे होटल है और इसे रामे चौक खोलते हैं मेन। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसके साथ जाना चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।